हेलो मेरे प्यारे बच्चों मेरा नाम है एस डी मोहित और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सोशल साइंस सोशल साइंस में आज हम चैप्टर एलेवन द नेशनल मूवमेंट फर्स्ट फेज पढ़ेंगे क्लास तीर्थ में ठीक है ना इसमें भी हम पढ़ेंगे फैक्टर्स बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ़ नेशनलिज्म जो कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो चलिए हम शुरू करते हैं फैक्टर्स बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ़ नेशनलिज्म लेटस रीड अबाउट द फैक्टर्स डेट कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया हम उन फैक्टर्स uh, के बारे में रीड करना शुरू करेंगे उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने इंडिया में नेशनलिज्म को राइज होने में कंट्रीब्यूट किया डिसकंटेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल सिंस मोस्ट ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज वर द अगेंस्ट द कंट्री एंड द पीपल देअर विसअपॉइंटमेंट इन ऑलमोस्ट ऑल सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी ज़्यादातर ब्रिटिश पॉलिसीज जो थी मेरे प्यारे बच्चों वो भारत देश के खिलाफ और भारत देश के लोगों के खिलाफ थी इस वजह से एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था इंडियन सोसाइटी के सारे सेक्शंस के अंदर चाहे वो पीसेंट हो चाहे वो आर्टिशंस हो चाहे वो फैक्ट्री वर्कर हो चाहे वो लेबर हो हर किसी के अंदर एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गुस्सा था ब्रिटिश के लिए पीजेंट हैड टू पे हाई टैक्सेस पीसेंट जो थे बेटा पीजेंट मैंने आपको क्लास में भी बताया होगा और आज बस फिर बता रहा हूँ याद रखना पीजेंट बोलते हैं फार्मर्स को पीजेंट जो थे उन्हें हाई टैक्स देना पड़ रहा था द आर्टिशंस वूल्ड बाय फॉरन कॉम्पिटिशन जो आर्टिशंस थे ये फॉरन कॉम्पिटिशन से जूझ रहे थे इन्हें बार बार फॉरन कॉम्पिटि जो फॉरन कंट्रीज थे यानी कि खासतौर से इंग्लैंड की कंपनी थी जो इंग्लैंड का माल था उससे लड़ना पड़ रहा था उससे कंपटीशन करना पड़ रहा था फैक्ट्री वेरी करने वाले वर्कर्स थे उनको बहुत ही कम भत्ता मिलता था बहुत ही कम सैलरी मिलती थी द ब्रिटिश मेड नो अटेम्प्ट टू इनकरेज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री जो ब्रिटिश थे उन्होंने कोई अटेम्प्ट नहीं किया कोई कोशिश नहीं की जिस किसके लिए कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को इंक्रेज किया जा सके एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को यहाँ पर बढ़ाने के लिए ब्रिटिशर्स ने कोई कोशिश नहीं की दे ट्रीटेड इंडिया एज अ सोर्स फ्रॉम वेयर रॉ मटेरियल कुड बी ऑपटेन्ड चीपली एंड एज अ मार्केट विच कुड एब्जर्व ब्रिटिश गुड्स ये इंडिया को ऐसे ट्रीट कर रहे थे जहाँ से हमें रॉ मटेरियल इनको बहुत ईजिली मिल जाता था सस्ते दामों में और एक मार्केट जो ब्रिटिश गुड को एबजॉर्व कर लेता था जितना भी ब्रिटिश गुड आता था वो यहाँ पर खप जाता था काम में आ जाता था एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द इंडियंस वर लिमिटेड जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थी एडुकेटेड इंडियंस के लिए जो पढ़े लिखे इंडियंस थे उनके लिए जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थी वो बहुत ही लिमिटेड थी इंडिया वॉज मेड टू पे फॉर द अपकीप ऑफ द ब्रिटिश आर्मी एंड फॉर द वॉर्स डेट ब्रिटेन फाउट इंडिया को इस तरीके से बना दिया था कि जो भी ब्रिटिश आर्मी जितने भी वॉर वगैरह लड़ेगी वो सारा का सारा साजो सामान सब कुछ हमारे इंडिया से ही निकलेगा ये कंडीशन हो चुकी थी उस टाइम पर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इंडिया वेल्थ टू ब्रिटेन वाट द मेन कॉजेज बिहाइंड द ग्रोइंग ग्रोइंग पॉवर्टी इन इंडिया कंटिन्यूस सप्लाई हो रही थी जो इंडिया की वेल्थ थी वो ब्रिटेन में तो ये एक मैन कॉज था जिसकी वजह से इंडिया में पॉवर्टी बढ़ रही थी फ्रिक्वेंट फेमाइज वर एंड इंडिकेशन ऑफ दिस पॉवर्टी बहुत सारे आ, ऐसे कारण थे जो कि इंडिकेशन थे इस पॉवर्टी के द एटीट्यूड ऑफ सुप्योरिटी अडोप्टेड बाय द ब्रिटिश कंसिडर्ड देमसेल्फ आ सुपीरियर रेस एंड इंडियंस हैज बिलोंगिंग टू एन इनफीरियर वन इन इनमें एक और चीज़ आ गई थी सुप्रियोरिसी मतलब मैं सबसे बड़ा हूँ सुप्रियोरिटी ये थी कि हम अच्छे हैं हम बड़े हैं ये ब्रिटिशर्स ने अडॉप्ट कर ली थी ये खुद को हमसे ऊंचा मानते थे मतलब इंडियन से ऊंचा मानते थे और इंडियंस को एकदम अकेला मानते थे बेकार मानते थे इनको अलग कर दिया था सर्टेन हॉस्पिटल्स एंड पार्कस वर रिजर्व फॉर यूरोपियंस बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल और पार्क थे जो कि रिजर्व कर दिए गए थे यूरोपियंस के लिए इन ट्रेन सम कंपार्टमेंट वर रिजर्व फॉर द वाइट पीपल एंड इंडियंस वर नॉट अलाउड टू ट्रेवल इन धेम ट्रेन्स में भी आपको पता हो मेरे प्यारे बच्चों ट्रेन्स में भी बहुत सारी ऐसे कंपार्टमेंट थे जो कि रिजर्व किए जाते थे सिर्फ और सिर्फ वाइट पीपल के लिए ब्रिटिशर्स के लिए और इंडियंस को अलाउ नहीं था कि वो इनमें बैठ के यात्रा करें अपनी ऑल दीज फैक्टर्स रिजल्ट ओपोजिशन टू ब्रिटिश रूल ये सारे फैक्टर एक कहीं ना कहीं नतीजा बने कि जो ब्रिटिश रूल के खिलाफ गुस्सा आया ब्रिटिश रूल के खिलाफ अपोजिशन ने जन्म लिया कहीं ना कहीं इसीलिए ब्रिटिश रूल के खिलाफ अपोजिशन कहीं ना कहीं इंडियंस ने खड़ा किया अब हम लोग मेरे प्यारे बच्चों पढ़ते हैं पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन कैसे हुआ कंट्री में ये भी कहीं ना कहीं एक रीजन था इस रीजन की वजह से भी कहीं ना कहीं नेशनलाइज बढ़ा इंडिया वाज द फर्स्ट टाइम यूनिफाइड बाय द ब्रिटिश इन रियल सेंस इंडिया पहली बार ब्रिटिशर्स के द्वारा यूनिफाई किया गया ठीक है अगर सच्चाई बोली जाए तो ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ गवर्नेंस थ्रू आउट द कंट्री ब्रिटिश जो थे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक यूनिफॉर्म सिस्टम किसका गवर्नेंस का पूरी कंट्री में लॉस एट लीस्ट इन थ्योरी लॉ मतलब प्रैक्टिकली तो ना सही लेकिन थ्योरी में वर यूनिफर्डली यूनिफॉर्मली अप्लाइड टू ऑल मतलब ये था कि लॉ सभी पर बराबर अप्लाई uh, होगा कानून सभी पर बराबर अप्लाई होगा ये थ्योरी में था प्रैक्टिकली तो नहीं था लेकिन हाँ थ्योरी में कम से कम ये था तो इकोनॉमिक लाइफ इन इंडिया बिकेम इंटरलिंक्ड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री आपको पता हो मेरे प्यारे बच्चों की ब्रिटिशर्स ने मॉडर्न इंडस्ट्रीज का इंट्रोडक्शन uh, किया था तो इंट्रोडक्शन जब हुआ मॉडर्न इंडस्ट्रीज का तो इससे क्या हुआ कि जो इंडियंस की इकोनॉमिक लाइफ थी वो आपस में एक दूसरे से जुड़ गई पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री वर्क इन दीज इंडस्ट्रीज लोग जो कि देश के अलग अलग हिस्सों से आते थे वो सभी uh, ज़्यादातर लोग यहाँ पर वर्क करने लगे बाय वर्किंग एंड ट्रेवलिंग टुगेदर एक साथ काम करते हुए और एक साथ ट्रेवल करते हुए कास्ट कम्युनिटी रीजनल फीलिंग टू वीकन हमारे यहाँ कास्ट फैक्टर बहुत होता था कम्युनिटी फैक्टर बहुत होता था और रीजनल फैक्टर के हम हिंदी वाले हैं हिंदी आर्टलैंड से हैं कि हम तमिल हैं कि हम तेलुगु हैं कि हम मराठी हैं कि हम पंजाबी हैं कि हम हरियाणवी जाट हैं हम ये हैं ये सारे जो फैक्टर थे ये सारी जो फीलिंग्स थी ये सारे के सारे कमजोर होना शुरू हो गए क्योंकि एक साथ बैठते थे एक साथ खाते थे एक साथ ट्रेवल करते थे एक साथ काम करते थे ठीक है ना दोनों में एकता की जो भावना थी वो डेवलप हुई द रेलवे टेलीग्राफ एंड पोस्टल सिस्टम हेल्प पीपल टू कम इन कॉन्टेक्ट विद वन अन रेलवे टेलीग्राफ और पोस्टल सिस्टम ने भी मदद की कि लोग एक दूसरे के करीब आ सकें एक दूसरे के पास आ सकें पीपल रियलाइज डेट ब्रिटिश रूल वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सफरिंग लोगों को ये रियलाइज हुआ कि ये ब्रिटिश रूल के ही कारण हम इतनी सारी परेशानियां उठा रहे हैं दिस एंटी ब्रिटिश फीलिंग वाज अ मेजर फैक्टर डेट कंट्रीब्यूटेड टू द राइस ऑफ नेशनलिज्म ये एंटी ब्रिटिश फीलिंग भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर थी जिसने ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक नया विद्रोह को जन्म दिया कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के, के खिलाफ इंडिया में जो नेशनलिज्म की भावना बनी अब हम लोग पढ़ते हैं स्प्रिट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन द स्प्रिट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन ऑल्सो हेल्प इन द राइस ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग जो मॉडर्न एजुकेशन जिस तरीके से फैली उसने भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प की कि जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग है उसका राइज हो द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस्ड मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन टू प्रिपेयर सम इंडियंस टू वर्क एट लो पोस्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंट्रोड्यूस की मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन को कि जिससे कुछ इंडियंस तैयार हों जो उनकी नीचे की पोस्ट पोस्ट हैं जो लो पोस्ट हैं ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में उनमें वर्क करने के लिए द ब्रिटिश ऑल्सो बिलीव्ड डेट इफ इंडियंस वर एक्सपोज टू वेस्टर्न थाट्स एंड आइडियाज दे वुड बिकम सपोर्टर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया ब्रिटिशर्स ये भी सोचते थे कि अगर भारतीय लोगों में भारत के जितने भी लोग हैं उनमें वेस्टर्न थाट्स डाल दिए जाएँ और वेस्टर्न आइडियाज डाल दिए जाएँ तो वो सपोर्टर होंगे ब्रिटिश रूल के इंडिया में द ब्रिटिश एक्सपेक्टेड डेट सिंस एजुकेटेड इंडियंस वुड बी डिपेंडेंट ऑन देम फॉर एम्प्लॉयमेंट दे वुड ऑलवेज रिमेन लॉयल टू देम ब्रिटिश ये सोच रहे थे कि जितने भी एजुकेटेड इंडियन हैं वो ब्रिटिशर्स पर डिपेंड हो जाएंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए और वो हमेशा सपोर्ट करेंगे लॉयल रहेंगे ब्रिटिशर्स के लिए हाउ एवर एक्सपेक्टेशन प्रूव टू बी रॉन्ग उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो रॉन्ग प्रूफ हुई वो गलत प्रूफ हुई एक्सपोजर्स टू वेस्टर्न आइडियाज मेड पीपल मोर कॉन्सिशियस ऑफ देयर राइट्स जो एक्सपोजर हुआ वेस्टर्न आइडियाज का जो वेस्टर्न आइडियाज इंडियंस में आए इससे कहीं ना कहीं जो लोग थे वो और ज्यादा अपने राइट्स के प्रति अपने हक के प्रति अधिकारों के प्रति जागरूक हुए दे वर इम्प्रेस्ड बाय द आइडियाज ऑफ फ्रीडम एंड आइडियावेलिटी पॉपुलराइज बाय अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन अब क्या हुआ देखो मॉडर्न एजुकेशन आई मेरे प्यारे बच्चों तो उन्होंने वेस्टर्न रेवोल्यूशन मतलब जो अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन था इसको पढ़ना शुरू किया इसको जाना तो उसमें जो फ्रीडम का आइडिया था जो इक्वेलिटी का आइडिया था उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए ये लोग तो इससे कहीं कही ना कहीं ये लोग समझ पाए कि अच्छा हमें ऐसे काम करना है दे विगेन टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट फॉर सप्रेसिंग दिस आइडियाज इन इंडिया एंड बेसिक ह्यूमन राइट्स टू इंडियंस अब क्या हुआ जो इंडिया के लोग जो पढ़े लिखे थे जो मोस्टर्न मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन जो ले रहे थे तो उन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू किया गवर्नमेंट को कि जो आप इंडियंस के अधिकार हैं इनको आप कैसे दबा सकते हैं और बेसिक ह्यूमन राइट्स को अब दबा नहीं सकते हमें हाँ, हमारे अधिकार चाहिए अब इसके लिए भी सबसे बड़ी समस्या आ गई ब्रिटिशर्स के पास प्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एज अ मीडियम इन एजुकेशन रिजल्टेड इन अ ग्रेट एडवांटेज फॉर द नेटिव पीपल अब इंडिया के जो लोग थे इनके लिए भी एक और फायदा हुआ कि जो इंग्लिश का इंट्रोडक्शन हुआ कि इंग्लिश की इंग्लिश जो है वो मीडियम ऑफ एजुकेशन बनेगी इट एनेबल्ड पीपल ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड शेयर देयर व्यू इसने कई आ, लोग थे जो अलग अलग लैंग्वेजेस से आते थे कोई तमिल बोलता था कोई तेलुगू बोलता था कोई बंगाली बोलता था कोई पंजाबी बोलता था कोई हरियाणवी बोलता था कोई हिंदी बोलता था ये सब लोगों ने एक कॉमन हम कहें तो एक कॉमन माध्यम चुना एक माध्यम चुना जिससे ये आपस में बात कर सकते थे वो थी इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश किसी की भी मातृभाषा नहीं थी किसी की भी आ, हम कहें तो जन्म की भाषा नहीं थी इसलिए इन्होंने इसको चुना

द इंडियन प्रेस प्लेड एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग नेशनल कॉन्सिस जो नेशनल कॉन्सिक्वेंसिस थे जो देश की समस्याएं थीं ठीक है ना उनको भी कहीं ना कहीं मजबूती से रखने के लिए उनको भी कहीं ना कहीं मजबूत करने के लिए इंडियन प्रेस ने भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया जो न्यूज़पेपर पीरियड था उस पीरियड के जो न्यूज़पेपर थे वो हाईलाइट थे एंटी इंडियन पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड आस्क द पीपल टू यूनाइट एंड वर्क फॉर कॉमन कॉज उस टाइम के जो न्यूज पेपर वो करते थे, जो के एंटी थे उनको और लोगों को बोलते थे कि आप एक हो जाइए और काम कीजिए सिर्फ और सिर्फ एकता के लिए कि हमें आजादी चाहिए बोथ द इंग्लिश एंड द वर्नाकुलर प्रेस देखिए इंग्लिश भी और वर्नाकुलर जो अलग अलग लैंग्वेजेस की प्रेस थी हिंदी हिंदी इंग्लिश उर्दू ये सारी जो प्रेस थी ये एक मीडियम बनी कि पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज किया जा सके और उसमें नेशनल बाउंडिंग की फीलिंग को क्रिएट किया जा सके द गवर्नमेंट ट्राई टू सप्रेस द ग्रोइंग फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एंड पेट्रियटिज्म बाय बैनिंग न्यूज एंड बुक्स जो गवर्नमेंट थी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने पूरी कोशिश की कि ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग है इसको सप्रेस किया कर दिया जाए ये जो देशभक्ति लोगों में जागी है ये इसको दबा दिया जाए इसके लिए उन्होंने क्या किया ऐसे न्यूज़पेपर और बुक्स को बैन कर दिया लेकिन जो इनका अटैम्प था ये जो कोशिश थी कि न्यूज़पेपर वगैरह को बैन करने की ये इनकी फेल हो गई द वर्क ऑफ स्कॉलर्स एंड राइटर्स कुछ स्कॉलर्स और कुछ राइटर्स थे लाइक वंकम चंद चटर्जी रविन्द्रनाथ टैगोर सुब्रमण्य भारती भरतेंडू हरीश और अदर जो इम्पोर्टेंट लोग थे इनमें इनका जो कहीं ना कहीं काम था वो नेशनल कॉन्सिक्वेंसिस को इन्होंने नेशनल समस्याओं को और नेशनल कारणों को बहुत ज़्यादा उठाया था दे आर नेशनलिस्ट लिटरेचर इन द फॉर्म ऑफ फिक्शन उनका जो नेशनलिस्ट लिटरेचर था फिक्शन की फॉर्म में ऐसे इसकी फॉर्म में पैट्रियोटिक पोट्रीज की फॉर्म में इसमें कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस जमा बड़ा इंडियंस के बीच में ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों बस दो और रह गए हैं इसके बाद हम इस लेक्चर को बाइंड अप करेंगे अब एक आता है इमीडिएट फैक्टर द इंक्रीजिंग एट्रोसिटीज ऑफ द ब्रिटिश हैड मेड द पीपल ऑफ आवर कंट्री टू थिंक फॉर द नेशनल आइडेंटिटी द पॉलिसीज ऑफ द वायसराय लॉर्ड लुटियन इंटेंसिफाइड डिसकंटेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल जो पॉलिसीज थी वायसराय लॉर्ड लुटियन की वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश रूल्स के खिलाफ मतलब ब्रिटिश रूल्स के लिए जो समस्याएं थी वो और ज्यादा बढ़ रही थी उन्होंने क्या किया उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी को हटा दिया ब्रिटिश गुड्स से जो ब्रिटिश गुड्स को इम्पोर्ट ड्यूटी करते थे उस पर से क्या कर दिया उसको उस ड्यूटी उस को बिल्कुल ही हटा दिया इम्पोर्ट हम लोग जो करते थे उस ड्यूटी को हटा दिया तो इससे क्या हुआ कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी इंडिया में वो और ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गई इन्होंने इंडिया को बना दिया कि जो अफगानिस्तान में बॉर चल रहा है उसके लिए आप पे कीजिए 1877 में व्हेन इंडिया वाज में जब इंडिया बहुत परेशानियों से जूझ रहा था तब एक बहुत बड़ा दरबार लगाया गया एक बहुत बड़ा शाही दरबार लगाया गया दिल्ली में अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी वाज वेस्टेड ऑन इट और बहुत ज्यादा पैसा उस पर वेस्ट किया गया उस दरबार पर द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 ये इम्पोज किया वर्नाकुलर रैंक बर्नाकुलर जो न्यूज़पेपर्स थे उन पर रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए द आर्म्स एक्ट ऑफ 1878 सेवनटी एट आर्म्स एक्ट जो हुआ एट्टीन सेवनटी एट इसमें भी इंडियंस जो थे उन पर हथियार रखने की पाबंदी लगा दी गई बोथ दिस एक्ट ये दोनों ही एक्ट की वजह से बहुत ही कड़ा रिएक्शन आया जो इंडिया की पूरे सेक्शन से सोसाइटी में इंडियन सोसाइटी के जितने भी सेक्शन थे वहां से अब आता है एलवर्ट एलवर्टविल कॉन्ट्रोवर्सी ये जो एलवर्ट विल था इसको इंट्रोड्यूस किया था सर एलवर्ट ने अ लॉ मेंबर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ लॉर्ड रायपन क्रिएटेड अप्रोर इन 1833 1833 में ये लॉर्ड रायपन थे उनके दौरान लॉ मेंबर थे ये ठीक है ना इट हैड अ प्रोविजन विच गिव इंडियन जज इज द पावर टू ट्राई केसेस इन्वॉल्विंग यूरोपियंस इसमें क्या हुआ इसमें ये पावर दे दी गई कि जो इंडिया के जजेस थे वो केसेस को केसेस में यूरोपियंस को भी इन्वॉल्व कर सकते थे इमेडिएटली द होल यूरोपियन कम्युनिटी स्टार्टेड एंड एजुटेशन अपोजिंग द बिल जो यूरोपियन uh, कम्युनिटी थी वो उसने इनके खिलाफ इस बिल के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया अपोज करना शुरू कर दिया अब ये जो प्रोटेस्ट थे इसको मजबूर होना पड़ा कि गवर्नमेंट को विड्रॉ वापस लिया जाए अब इंडियंस के लिए ये प्रूफ था कि इनसे हम कभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट से इक्वेलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते तो कहीं ना कहीं ये गुस्सा भी था कि अगर आप लोगों को आ, हमारे इन लोग यूरोपियंस ने कहा तो आपने वापस ले लिया हम कहते तो आप ये काम वापस नहीं करते तो इससे भी कहीं ना कहीं कही गुस्सा भरा तो मेरे प्यारे बच्चों ये वो रीजन्स थे जिनके बारे में मैंने आपसे चर्चा की जिसकी वजह से राय नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो और ज़्यादा बढ़ सके इंडिया में तो मैं आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आपको ये समझ में आया होगा आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए और जो ना समझ में आया वो अपने डाउट्स हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्कार